नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस देश के जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित हरीश तिवारी जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे ना सिर्फ उनके संगीत सफर पर बातचीत करेंगे, बल्कि उनके बहाने, उनसे बातचीत के बहाने खुलेंगी इस देश के एक बहुत बड़े कलाकार के जीवन की खिड़कियां। लेकिन पहले स्वागत करते हैं पंडित जी आपका। नमस्कार। जो मेरी पहली जिज्ञासा है पंडित जी, वो तो यही है कि उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से आप आते हैं, उस इलाके में लोकगीत की परंपरा तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां से शास्त्रीय संगीत के बीज आपके अंदर कैसे आए, कैसे शुरुआत हुई, आपकी दिलचस्पी कैसे शास्त्रीय संगीत में हुई, ये जानना थोड़ा दिलचस्प होगा। जी, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का हूं। मैं जी, वो गांव है, ये देवरिया कस्या रोड के पे तरकुलवा बाजार है, उसके पास ये गांव है कैथवलिया, वहां पे मेरा गांव है, मैं वहां पैदा हुआ। और जो है वाकई जो है शास्त्रीय संगीत का तो कोई माहौल नहीं है वहां पे, और शास्त्रीय संगीत को बहुत अच्छे दृष्टि से, मैंने संगीत को एक तरह से उतना अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं। और उसमें भी ये जो सफर हमारा चालू हुआ, मेरे घर में भी संगीत का कोई वैसा माहौल नहीं था। हमारे दादाजी को, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सुखाए के लिए गाना सुनते थे, स्केल सागल का गाना और पुराने सब रफी साहब का, क्या बोलते हैं, लता जी का, आशा जी का, सब सुनते थे, और सहगल का गाना बहुत पसंद करते थे। तो वो गाते थे, लेकिन उस समय हमारे मन में कोई संगीत का वैसा नहीं था। जब पांचवी कक्षा पास किया, उसके बाद वो गुजर गए, तो उस समय तक अभी मेरा संगीत की तरफ कोई रुझान नहीं था। और मेरे चाचा जी वही इंटर कॉलेज में, वहां पास में इंटर कॉलेज मुसहरी है जी, तो वहां पे मेरे चाचा जी श्री राधे श्याम तिवारी, वो हिंदी के टीचर थे, और जो है उनको वो रेडियो वगैरह सुनते थे, और वो खुद भी थोड़ा सा ऐसे जो लोकगीत गाते हैं अपने कहीं ऐसा नहीं, केवल गुनगुनाने के लिए, तो उनके साथ में रहता था, तो उनका सुनते रहता था कुछ भी, जो भी जैसे मुकेश का कोई गाना है, या तलत क्या बोलते हैं, तलत महमूद थे ना, तलत महमूद का गाना, तो अमवा की मजरा से रस चुएला है ना गाना, तो ये सब गाते रहते थे। या ये मुकेश का सजनमा बैरी हो गए हमार, ये सब करते करते मेरे कान में ये सब आने लगा। मैंने उनके साथ जाता था, ज्यादातर साइकिल पे बिठा लिया, कहीं लेके जा रहे हैं। उस समय तक मेरे मन में ये ऐसा नहीं हुआ कि कहीं संगीत की शुरुआत होने वाली है। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था, वहां पे कुछ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे स्कूलों में, जैसे तुलसीदास जयंती या विवेकानंद जयंती, उस पर कुछ कविताएं दिया गाने के लिए। किसी ने बोला कि भैया आपके यहाँ भी कोई गाने वाले हैं, तो चाचा जी ने ऐसे ही पूछ दिया, भाई गाओगे? तो हम लोग जैसे ऐसा मन में नहीं था, अब चाचा जी ने बोल दिया भाई गाना है, अब उन्होंने बोल दिया गाना है तो गाना है। तो मैंने एक कविता कोई गाई तो सबको बड़ा पसंद आया, उसके पहले मैंने कभी गाया नहीं था किसी के सामने। उसके बाद वहीं से धीरे धीरे कुछ कविताएं गाने लगा वहां से, तो सबको मन में हुआ, चाचा जी को भी हुआ कि ये म्यूजिक में जाना चाहिए इसको। फिर उन्होंने वहां, अब संगीत कहाँ पे है सब्जेक्ट के रूप में, तो हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने गायन गायन सीखा, वहां कुशीनगर जगह है, कुशीनगर बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर में म्यूजिक था, तो वहां मैं घर से 15 किलोमीटर दूर था, वहां मैं साइकिल चला के जाता था 9th में, वही आना जाना, तो वहां पे थोड़ा शुरुआत हुई। जो राग सीखते मैंने राग चीज रागदारी, मैंने वही बंदी से कुछ, उसके बाद फिर वही कोर्स पूरा करने के लिए, फिर उसके बाद अब हुआ कि इंटरमीडिएट में वहां म्यूजिक नहीं था, तो फिर अपने घर से दक्षिण साइड में सरजू के किनारे एक बरहज बाजार है, वहां पे इंटर कॉलेज है, वो बहुत पुराना कॉलेज है, किंग जॉर्ज पहले उसका नाम था अंग्रेजों के जमाने में, बाद में उसका नाम था हर्षन इंटर कॉलेज, तो वहां पे
मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ कुछ दूरी पे मेरे मौसी का घर था, वहां से मैं आता जाता था। फिर गुरुजी ने बोला कि 12वीं में कि अब यही रूम लेके रहो, वहां मेरे पंडित ठाकुर चौबे जी वो वहां पढ़ाते थे, तो वहीं मैं रहने लगा। और वहां से फिर थोड़ी से रियाज की शुरुआत हुई कि शास्त्रीय संगीत कैसे गुरुजी प्रोत्साहित करते थे उस एरिया में, मैं संगीत तो नहीं था लेकिन वो था कि शास्त्रीय संगीत ऐसे गाना होता है, ऐसे करना होता है, उसके लिए रियाज भी करना जरूरी होता है, डांट भी पड़ती थी। जैसे हम लोग लड़कपन में जैसे कभी फालतू टाइम में घूम रहे हैं, कुछ खेल 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 कर रहे हैं, उसी में पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, उन्होंने बोला ऐसे नहीं हो सकता, बहुत डांट एक दिन पड़ी, ये नहीं जाकर के फालतू में बैठ के गेट पे, कॉलेज के गेट पे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और किसी को देख के हंस रहे थे हम लोग, कहीं कोई आ जा रहा था तो बोले फालतू टाइम, गुरु जी कहीं से सुन रहे थे, उसको इतनी झाड़ पड़ी, उन्होंने बोला ये नहीं जाके म्यूजिक रूम में रियाज करें। हम फिर पूछे गुरु जी से, बाद में हम लोग थोड़ा गुस्सा उनका कम हुआ तो पूछे मेरे रियाज कैसे करना है, तो फिर उन्होंने चाबी दिया रूम का, फिर ऐसे जाके ऐसे रियाज किया जाता है, तो शुरुआत हुई वहां से। उसके बाद फिर वहां से अब इंटरमीडिएट होने के बाद फिर बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने बीएचयू में, वहां पंडित ओंकारनाथ जी के शिष्य लोग थे वहां, पंडित अजीत भट्टाचार्य जी और आचार्य नंदन जी, तो वहां से हमने बैचलर की डिग्री ली। और वहां पे गुरु शिष्य परंपरा से मैं पंडित अजीत भट्टाचार्य जी से गाना सीखता था, ग्वालियर घराने, ग्वालियर घराने का गाना था, और उनका पंडित आचार्य नंदन जी भी ग्वालियर घराना का भी गाते थे, ग्वालियर घराना और शाम चौरासी घराने की भी गायकी गाते थे वो, तो उन्होंने पंडित कुंदन लाल जी से गाना सीखा था शाम चौरासी घराने का। पंडित कुंदन लाल जी रोहतक में रहते थे उस जमाने में, हमने पूछा गुरु जी वो उनसे कहाँ मिला, वो तो बनारस में ही रहते थे उस समय, हमारे गुरु जी जब स्टूडेंट थे तो उसमें बनारस में ही रहते थे, वहां उनको बहुत सारे लोग जानते थे और बड़े विद्वान कलाकार थे, तो उनसे सीख दी, इसलिए हमारे गले में थोड़ा शाम चौरासी घराने का भी गाना गले में था। फिर बाद में पंडित कुंदन लाल जी से मैंने भी गाना सीखा, गुरु जी ने परिचय कराया तो बुलाए बेटा आना कभी तो वहां सीखे, तो इसके बाद फिर तब फिर मैं उसके बाद पूना चला गया। एक एक सवाल यहाँ पर और पूछना जरूरी है पंडित जी, आपने जी, बहुत शुरू में बहुत अच्छी बात कही और बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि उस इलाके में संगीत को बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता था, और नहीं देखा जाता, ऐसे में जब आपने तय किया होगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ संगीत सीखेंगे, किस तरह का सपोर्ट परिवार से मिला, किस तरह का सपोर्ट माता पिताजी से मिला, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमेशा जहन में ये रहा होगा कि पैसे भी चाहिए, कमाना कमाए बिना घर नहीं चलता, और इससे तो पैसे जी, जी, जी। तो मेरे घर में जैसे सब ये खुले विचार के लोग थे, पिताजी का भी कोई ऐसा नहीं था कि उनको ये नहीं पता था कहाँ जाना, शिक्षा के बारे में चाचा, हम लोग का परिवार अभी भी कंबाइंड है, तो जैसे चाचा जी ही देखते हैं कि कौन क्या पढ़ाई, क्योंकि वही शिक्षा की लाइन में जैसे वही थे, तो उनको पता था किसको कहाँ भेजना क्या करना है, वही तय करते थे मैं कौन क्या पढ़ेगा, तो उसमें कोई उनके मन में ये नहीं था, ये था कि उस समय तक भी हमने ये नहीं सोचा था कि हमको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, वो ये था कि जाएंगे नौकरी, फिर कहीं से डिग्री लेके फिर नौकरी करेंगे। लेकिन बनारस में जब गया वहां पे तो कुछ दिन तो सीखा हमने, कहा ये तो डिग्री तो लेना ही है लेकिन हमको गाना सीखना है, तो बहुत सारे लोग वहां प्रोत्साहित करते थे, जैसे वहां संकट मोचन संगीत समारोह होता था बनारस में, तो ये पंडित जसराज जी का गाना होता था, बहुत सारे लोग पंडित जसराज जी उनके शागिर्द और भी आते थे लोग, तो कई सितार वादक या पंडित किशन महाराज जी का तबला, पंडित शामताप साहब जी का तबला, पंडित लक्ष्मू महाराज जी का तबला बहुत सुना हम लोगों ने, तो वो एक वहाँ एक पखावज वादक थे श्री पंडित श्रीकांत मिश्रा, तो पखावज उनको टुन महाराज के नाम से जानते थे लोग, तो वो बहुत प्यार करते थे, वो बड़ा बहुत प्रोत्साहित कर प्रैक्टिकल आदमी थे, वो बोले गाना हम वैसे वहां मंदिरों में मेरा प्रोग्राम होता था, वहां मंदिरों में ही प्रोग्राम होते हैं, जैसे दुर्गा मंदिर में, गणेश मंदिर में, सोनारपुरा गणेश मंदिर में, तो वो सुने गाना बोले रे तुम कहाँ फंसे हो, यहाँ से भाग जाओ, गाना सीखो तुम, गाना तुमको मंच पे गाना गाना है। उन्होंने ही हमको बोला कि यहाँ गुंदेचा ब्रदर्स
भोपाल में जाओ। उन्होंने बोला भी कहीं बड़े लोग, हम तो पंडित भीमसेन जोशी जी के पास जाना है। उन्होंने बोला कि तुम वहां जाओ, वहां से हमको कोई परिचय तो चाहिए इतने बड़े आदमी के पास जाने के लिए, तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर ये मैं भोपाल गया और वहां गुंदेचा ब्रदर्स मिले, ये पंडित उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा दोनों भाई। तो उस समय वो लोग भी साधना करते थे और उन लोगों का प्रोग्राम भी होता था ध्रुपद का, तो वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं किसी आर्टिस्ट को। सपोर्ट, जैसे ये सपोर्ट का नेचर है उनका, ये नहीं कि इनसे क्या लाभ है। आजकल तो सभी लोग यही सोचते हैं कि इनको क्या फायदा होगा हमारा इनको सपोर्ट करने। बड़ा मेहनत किया उन्होंने यहाँ, जैसे अशोक वाजपेयी जी से चिट्ठी लिखवाया, फिर कारंत साहब से चिट्ठी लिखवाया, तो फिर वहां से बना ऐसा माहौल। तो हमारे घर में जैसे आपका क्वेश्चन था कि सपोर्ट नहीं होता है ना, कि कोई क्या करेगा लड़का, देखिए जो लिखा है वही होगा। तो पैसा आना है तो इस लाइन से भी आएगा, पढ़ाई करके भी बहुत, एमए करके सबकी नौकरी थोड़ी लग जाती है, एमए करके पीएचडी करके सब बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो चाचा जी का ये था, उनका वो नहीं था कि इसके तरफ मैंने कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो हमको पैसे बनारस में आते थे कुछ, जैसे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको पता था म्यूजिक कर रहा है, तो पढ़ाई के लिए पैसे आते थे, बहुत ज्यादा नहीं आते थे, मैंने खर्च जितने में चल जाए उतने, उतना सपोर्ट मिलता था। तो वो बड़े खुले विचार, हमारे घर में कुछ अभी भी कोई ये नहीं है कि बड़े दबाव देके रखना है कि क्या करेगा, बहुत चिंतित नहीं होते हैं। तो ये ऐसे ये सामंजस्य बना। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।